परशुराम संवाद की हम तीन चौपाई कर चुके हैं, अब चौथी चौपाई पर चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, चलो पढ़ते हैं। कौशिक सुनो मंद एहू बालकु, कुटिल कालवस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु एबुधु एसंकु। काल कौलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। तुम हट कहु जो चहु उभारा, कही प्रतापु बलो रोसु हमारा। इसके अंदर परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण के ऊपर। जब लक्ष्मण उन्हें उल्टा उत्तर देते हैं तो विश्वामित्र वहाँ पर होते हैं, तो विश्वामित्र से क्या कहते हैं परशुराम, कौशिक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, कौशिक मीन विश्वामित्र, सुनो सुनो, मंद मंद बुद्धि एहू यह बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है। कौन बालक? लक्ष्मण को कह रहा है परशुराम कि यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल कालवस, कुटिल कालवस निज कुल घाल को, कुटिल मीन कठोर, कालवस मीन काल के वश में होकर, निज अपने कुल वंश घाल को घालने जा रहा है। ये कठोर काल के काबू में होकर अपने कुल का विनाश करने वाला बनने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु एबुधु एसंकु। यह बालक भानु वंश, सूर्य वंश के अंदर, भानु वंश का मतलब है भानु मीन बेटा सूर्य, वंश मीन कुल, सूर्य वंश के अंदर राकेश कलंकु चंद्रमा के कलंक के समान है। यह बालक कौन बालक? लक्ष्मण। कौन कह रहा है? परशुराम। किसको कह रहा है? विश्वामित्र को। परशुराम विश्वामित्र से कहता है कि ये लक्ष्मण जो है सूर्य वंश के अंदर चंद्रमा के कलंक के समान है, निपट बिल्कुल, निरंकुशु मनमानी करने वाला, एबुधु बुद्धिहीन, असंकु शंकारहित। इस बात में कोई शंका नहीं है कि यह बालक मनमानी करने वाला, कम बुद्धि वाला है। ये बात परशुराम ने विश्वामित्र से बताई। चंद्रमा के कलंक की बात आई बेटा, ये क्या है? आपने देखा होगा चंद्रमा के अंदर, कभी भी आप चंद्रमा को देखोगे तो उसके अंदर दाग से लगे हुए होते हैं, तो कहते हैं किसी कारणवश वो चंद्रमा के ऊपर धब्बे कलंक हैं। इसी तरह से सूर्य वंश के अंदर कलंक कौन लगाएगा? लक्ष्मण। परशुराम कह रहा है विश्वामित्र से, क्योंकि ये मनमानी करने वाला है और कठोर काल के काबू में होकर ऐसा कर रहा है। ये सब बातें परशुराम ने कही। अब आगे क्या बोले परशुराम? काल कौलु होई छनमाही, काल मीन मौत, कौलु मीन ग्रास, होई हो जाएगा, छनमाही एक क्षण के अंदर, यह एक क्षण में मौत के मुंह में चला जाएगा। कौलु मीन ग्रास, जैसे बेटा रोटी का टुकड़ा लेकर के मुंह में लिया जाता है, उसी तरह से ये काल के मुंह में चला जाएगा। कौन? लक्ष्मण। ये बच्चा काल का ग्रास बन जाएगा एक क्षण में। कौन बना देगा? परशुराम। कहो कह रहा हूँ, पुकारी पुकार कर, खोरी दोष, खोरी मीन दोष, मोही मुझे ना ना ही नहीं, ये लोगों मैं पुकार कर कह रहा हूँ ये बात कि एक पल में ये काल का ग्रास बन जाएगा, फिर बाद में आप लोग मुझे दोष मत देना। परशुराम यहाँ पर इतनी डिंगे मार रहा है कि एक लाइन और मैंने पढ़ी थी उसके बारे में और जान ले। तुम हट कहो जो चहु उभारा, तुम है मीन हे विश्वामित्र, तुम हट कहो बचाना चाहते हो, हट मीन हटाना चाहते हो, जो चहु उभारा उभारना चाहते हो, अगर तुम इस बच्चे को बचाना चाहते हो, मना करते हो, तो कही कह दो प्रतापु, प्रताप बलु बल, रोष गुस्सा हमारा, अगर आप इस बच्चे को बचाना चाहते हो तो इस बच्चे को हे विश्वामित्र तुम मेरे बल के बारे में, मेरे यश के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में समझा दो। ये हमने चार चौपाइयाँ ऊपर वाली पढ़ी हैं और ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब कल जब हम वीडियो डालेंगे दूसरी, उसके अंदर फिर आगे की चौपाई हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक रही ना, समझ में आ गई होंगी।